ऐसे दस्तरखान पर मौजूद हूँ जिन्हें माँ बेटी ने मिलकर सजाया। किसी अजमी को किसी अरबी और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौकियत हासिल है, और मैंने ये मदीने में भी देखा और मक्के में भी देखा, और मुझे ये मतलब कि ये मेरे दिल को इतना छू गई कि वहाँ पर मैंने देखा कि जो कोई बहुत रईस भी है तो वो दस्तरखान पर था, और कोई बहुत गरीब भी था तो उसको बड़े प्यार और अदब से बुलाकर बिठाया जा रहा था कि हमारे साथ इफ्तारी करें। तो बस ये जज्बा था, और मैं ये समझती हूँ कि जो रोज़े हैं वो अल्लाह के लिए हैं, और इसी बाबरकत महीने में हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नेकियों की तरफ रागिब रहे। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ रुबा उरूज। माहे रमज़ान की बरकतें समेटते हुए यकीनन आप सब लोग भी बड़े मज़े में होंगे, और अफ्तार की जो खुशियां हैं, सहर के जो मज़े हैं, वो लूट रहे होंगे। मैं इस वक्त एक जो लाहौर के एक ऐसे दस्तरखान पर मौजूद हूँ जिन्हें माँ बेटी ने मिलकर सजाया है, और राहगीरों के लिए अफ्तार का अहतमाम किया गया है। रिक्शा ड्राइवर, राहगीर, गरीब, मजदूर, हर कोई यहाँ पे आके अफ्तार कर रहा होता है, और ये सब जो अफ्तार का सामान सजाया है उनका क्रेडिट इनको जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ मिलकर अफ्तार का अहतमाम करती हैं, खुद बनाती हैं और फिर बाहर रोड पर आकर सर्व करती हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से कर रही हैं, कैसा लगता है, ये आइडिया कहाँ से आया? जी बिल्कुल, कब से कर रही हूँ, तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं मुझे, और मक्के और मदीने से शौक़ पैदा हुआ कि जहाँ पर आप सरकार ने फरमाया किसी अरबी और किसी अजमी को किसी पर किसी की कोई फोकियत हासिल नहीं है, वहाँ के जो दस्तरखान है वहाँ पर कोई भी कोई रईस है, कोई फ़कीर है, वो एक ही दस्तरखान पर बैठ के जो है वो अफ्तार करते हैं। तो मेरे जहन में भी आया क्यों ना हम भी इस तरह की छोटी छोटी नेकियाँ माह मुबारक में इकट्ठी करें और अल्लाह को खुश करें। ज़बरदस्त आइडिया है। रोड पर बाहर अहतमाम करती हैं, पकाती भी खुद ही हैं जो भी डिश होती है? जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो मुझे घर में ही बनानी पड़ती हैं, और क्योंकि मैं एक घरेलू औरत हूँ ना, बचत करती हूँ थोड़ी सी, कुछ कुछ चीज़ें बाहर से भी ले लेती हूँ। ज़बरदस्त। और आपने अपनी बेटी को भी इसी काम पे लगाया हुआ है? बिल्कुल, वो कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो मैं ये मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि जैसी माँ होगी ना, माँ की जो दस्तगाह है वो पहली दस्तगाह है, और वहीं से बच्चा सीखता है। बिल्कुल, और यकीनन इन्होंने साबित किया है, इनकी बेटी भी मौजूद हैं और ये भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे अफ्तारी का सिस्टम बना रही थी, प्लेट्स भी बना रही थी, फिर मैंने सर्व करते हुए भी देखा, मेन रोड पे ही अपने घर से निकल के ये दस्तरखान सजाती हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थक तो नहीं गई, इतना काम किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकती, मुझे तो बल्कि बहुत शौक है कि इस तरह से हम सजाएं, और हम हर रमज़ान जो है वो इस तरह से तैयारियाँ करते हैं। अच्छा, डेली होता है ये? बिल्कुल डेली होता है, 30 रमज़ान होता है। मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या करती हैं आप, सोशल वर्क करती हैं? बिल्कुल, मैं इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, और अपना बिजनेस भी चला रही हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ को भी देख रही हूँ, अपनी स्टडी को भी देख रही हूँ, और साथ साथ ये सब भी कर रही हूँ। बिल्कुल जी, ये थी वो माँ बेटी जिन्होंने मिलकर ये अफ्तार का जो दस्तरखान है वो सजाया है, और सबसे मज़े की बात यह है कि जब अफ्तार का वक्त होता है, राहगीर जो गुजर रहे होते हैं उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है, रोड पर ये सफ़े बिछाते हैं और जो घर में बनता है वही ज़्यादा बनाकर यहाँ पर एहतमाम करते हैं, और फिर साथ ही साथ जो लोग मौजूद होते हैं वो भी इसमें मदद कर देते हैं।